It is easy to stand with the crowd. It takes courage to stand alone. People who decide not to follow the herd often find themselves leading the way. I observed a gap in dermatology and decided to fill it. But when has it been an easy job to do? सौराष्ट्र के एक ग्रामवासी परिवार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु तक ट्रेन के सफर से अनजान रहा। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर पाने के पीछे माता पिता का योगदान सबसे अहम रहा। डर्मेटोलॉजी को एक विशेषज्ञता के रूप में चुनने का निर्णय मैं सबसे कठिन मानता हूं। सन 1998 गुजरात के एक शहर सूरत में जब मैंने अपने पहले क्लिनिक की नींव रखी, उस दिन मैं नहीं जानता था कि 5 साल तक कठिनाइयों का सामना अकेले ही करूंगा। मैं अकेला डॉक्टर था वहां, जो अटेंडेंट भी था और अकाउंटेंट भी। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक निरंतर काम करने की एक आदत सी बन गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान सूरत के लोगों का निःशुल्क इलाज भी किया, इसलिए कि स्किन से जुड़ी बीमारियों और उनके आधुनिक इलाज के प्रति उन्हें जागरूक कर सकूं। सन 2001 में जब बेहतर ट्रीटमेंट्स के लिए लेजर मशीन्स को मैंने सबसे परिचित कराना चाहा, तो बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मेरे सहयोगी डॉक्टर्स और मुझसे जुड़े तमाम लोगों ने तब पहली बार मेरे काम की सराहना की जब सूरत के लोगों ने खुले दिल से मेरे नए क्लिनिक और उन्नत सेवाओं का अभिनंदन किया। आज मैं कामयाब हूं, लेकिन जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन, आगे तो सारा आसमान अभी बाकी है।